अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बनाने वाले हैं स्वीट कॉर्न पिज्जा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए एक बड़े से बाउल में एक कप नीम गरम दूध लेंगे, एक टीस्पून डालेंगे ड्राई ईस्ट, ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है, हाफ टी स्पून नमक, दो टेबल स्पून चीनी, तीन टेबल स्पून ऑयल। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे तब तक जब तक कि ये सारी चीजें एक ना हो जाएं। सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो गई, चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई। अब इसमें हम डालेंगे तीन कप मैदा। मैदा को हमने पहले छान लिया है, मैदा को हम अच्छे से गूंद लेंगे। अगर यहाँ पानी की जरूरत होगी तो हम नीम गर्म पानी लेंगे और उससे हम आटे को गूंद लेंगे। आटे को हमने अच्छी तरह गूंद लिया है, देखिए आटा ना ज्यादा नरम है और ना ज्यादा कड़क है। अब इसे हम रखेंगे एक बड़े से और गहरे बर्तन में। आटे में जब खमीर उठेगा तो ये ऊपर तक फूलेगा, तो इसे हमने इसलिए बड़े से बर्तन में रख दिया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम थोड़ा सा ऑयल। अब इसे हम ढक कर रख देंगे किसी गर्म जगह पर 2 से 3 घंटे के लिए ताकि अच्छी तरह राइज हो जाए। तो ये देखिए ये डो अच्छी तरह राइज हो गया है, अपने साइज से ये डबल हो गया है। अब इसकी हम सारी हेयर निकाल देंगे, देखिए। चलिए तब हम इसकी लोई बना लेंगे। तो इतने आटे के हम 2 पिज्जा बनाएंगे। तो इसे हम बीच से इस तरह कट कर लेंगे और इसकी हम बना लेंगे लोई। तो यहाँ हम डालेंगे थोड़ी सी सूखी मैदा और इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, थोड़ी सी ऊपर से भी डाल देंगे सूखी मैदा और इसे हम बेल लेंगे। बेलने के बाद में इसे हम रखेंगे ट्रे में। तो ट्रे को हमने पहले से ग्रीस करके रखा है, तो इसे हम उठाएंगे और इस तरह रख देंगे और इसकी हम इस तरह किनार बना लेंगे। अब इसमें हम इस तरह निशान बना लेंगे ताकि ये बेक करने की टाइम पर फूले ना। अब इस पर लगाएंगे हम टोमेटो सॉस, अगर आपके पास ये पिज्जा सॉस हो तो वो लगा लें। अब इस पर डालेंगे हम चीज। तो हमने यहाँ पर मोज़रेला और चेडर चीज दोनों को मिक्स करके लिया है, तो 1 कप के करीब हमने यहाँ पर ये चीज लिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम ये स्वीट कॉर्न, थोड़ा सा डालेंगे ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा डालेंगे हम नमक। अब इसे कर लेते हैं हम बेक। तो इसे हम कढ़ाई में बेक कर रहे हैं, तो कढ़ाई को हमने गैस पर रखकर प्री हीट कर लिया है। चलिए रखते हैं हम इसे कढ़ाई में। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखकर कढ़ाई को हमने 10 से 12 मिनट प्री हीट कर लिया और इसके ऊपर रख लिया एक स्टैंड। जब भी आप पिज्जा कढ़ाई में बनाएं तो कढ़ाई को थोड़ा सा मोटे तले कर लें। अब रखेंगे हम ये ट्रे। तो ट्रे आप थोड़ा सा सावधानी से रखें क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। अब इसे हम ढक देंगे और गैस को हम करेंगे मीडियम से थोड़ा सा ऊपर और इसे हम 30 से 35 मिनट बेक होने देंगे। तो ये देखिए पिज्जा अच्छी तरह बेक हो गया है। अब हम इसे निकालेंगे और इसके पीस करके दिखाते हैं। तो लीजिए कॉर्नर पिज्जा बनकर तैयार है। आप इसे बनाइए, आपको आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आई हो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।